नमस्कार, मैं शांतिदार जनता शक्ति न्यूज आज चीन के अंदर हरियाणा प्रदेश चमार महासभा जिला चीन आज भारत बंद का जो आह्वान किया था वो पूरी तरह जींद के अंदर संपूर्ण है। और देखिए कितनी मेरा पीछा भीड़ देख रहे हो, पीछे भीड़ भी दिखावा लो आपने, बड़ा क्या जब है। देखिए मेरा पीछे लोग लेडीजों की भीड़ और आगे भी पूरा लंबा काफिला, और पीछे भी आप जहाँ तक देखो काफिला ही काफिला है जो आज भारत बंद का असर जींद के अंदर पूरा दिखाई दे रहा है। पूछेंगे नहीं सही जो वर्गीकरण किया उसका क्या इनको नुकसान है, ये क्यों नहीं चाहते वर्गीकरण के खिलाफ। थोड़ा पीछा है जो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए फैसला दिया, क्या गलत क्यों मान लो आप इसको, क्योंकि इसने समाज को तोड़ने का कार्य किया है। ये सोच इनको टुकड़ों में बढ़ जाए, अगर इन हमारे को अलग से अधिकार नहीं देना तो हमारी एक मुट्ठी तो बनी रहने दो। हमने और तो कुछ नहीं मांगा इनसे, अलग नहीं मांगा ना, हमें भी अलग अलग किया जा रहा है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। खून पसीनों की कमाई तो मोदी करोड़ों की ड्रेस पहनता है, जब ये जनता दिखा देते टुकड़ों बांटने के लिए। हमने वोट करके सैनी को कुर्सी पे बिठाया और हमारे साथ धोखा किया, हम सहन नहीं करेंगे। अब क्या चाहते हो आप, हम हमारा जैसे आरक्षण हमें मिला वैसे ही रहे, हमें ऊपर को हमें मत बांटा जाए, छेड़छाड़ी ना करें। सही किया नहीं, सही कहा किया, हमारे बच्चों के साथ धोखा हो रहा है, हमारे साथ धोखा हो रहा है, समाज को टुकड़ों में बांटने काम कर रही है सरकार। जब तक जाति भेदभाव रहेगा आरक्षण रहेगा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम, बिल्कुल नहीं है। संवैधानिक का अधिकार है हमारा, 10% सारा 100% जो वर्गी के खिलाफ जनता जिंदगी को जनता जो जमा नाराज है और मिलते मुख्यमंत्री जिंदाबाद, बाबा साहब हमारे, जिंदाबाद।